बॉलिंग लेट डाउन करेगी, उनकी बॉलिंग लेट डाउन करेगी, उनकी बॉलिंग लेट डाउन करेगी, उनकी बॉलिंग ही मैच जितवा देती है। आज उनकी बॉलिंग ही नहीं मैच जितवाया। थ्रिलर, एब्सोल्यूट थ्रिलर इट वाज। आज ये मैच इंडिया को रेन के बाद जो एडिलेड ओवल में बैठे हुए हजारों इंडियन फैंस थे उन्होंने जितवाया। इतना शोर किया है, इतना शाउट किया है कि जज्बे ही अलग हो गए। पाजी के ना पतली लुली के सदके भाई, पाजी तेरी पतली लुली के सदके भाई, क्या क्या बॉल कराई है पाजी ने भाई, मां कसम ना दिल खुश हो गया भाई। जो इनिंग लिटन दास ने खेली है वो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तीनों ही फैंस को हमेशा याद रहेगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी को बधाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के टॉप में पहुंचने की एक शानदार कोशिश की है। इस कोशिश में पाकिस्तानियों का और इंडियन सपोर्टर हमारे प्यारे अफगानिस्तान के पठान भाई का क्या रिएक्शन रहा, आइए सुनते हैं। हमारे डिसीजन भी गलत होते हैं, हमारी किस्मत भी खराब है, और हमारे जो हमें जिस टीम को सपोर्ट करने जाती हैं वो टीम भी बड़े गलत डिसीजन लेती है। जो लोग इंडियन बॉलिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। यार वो बोला था अफगानिस्तान का जादू बंगालियों के जादू पे ज्यादा ताकतवर पड़ गया भाई। दाऊद साहब जो उम्मीदें थी रही सही वो भी गई आज। क्या जबरदस्त किस्म का आज बैटिंग देखने को मिली इंडिया की जानिब से। और ये जो अर्शदीप है ये वही है जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था बांग्लादेश के लिए तो पता नहीं था नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। बांग्लादेश तो चलो हार गया भाई, ना उनका जादू चला ना उनके टाइगर चले, लेकिन एक चीज की कमी हुई वो नागिन वाला डांस नजर नहीं आया भाई। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। Come on, बंगलो पासो, मौका दो, नागिन दास करेगा, नागिन दास करेगा। टाइगर, टाइगर, टाइगर की कोरे। अच्छा। अब तो कंफर्म हो गया ना कि भिखारिस्तान वालों अब तो बैग पैक कर लो, अब तो निकल जाओ भाई, या अब भी कुछ ना कुछ बोलोगे तो पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता भाई। जिस टीम से आप मैच हारे उसको बांग्लादेश ने मारा, उसको नेदरलैंड्स ने मारा। लानत भेजता हूँ यार मैं इस तरह की क्रिकेट पर कि दुआएं करनी पड़े, दम करना पड़े, दुरूद करना पड़े। आज हकीकत बात है कि मैं आज जो है बांग्लादेश की तरफ था कि बांग्लादेश कुछ जो है वो कर दे हल्का फुल्का। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू भाई। पाजी तेरी पत्नी लुली के सदके भाई, क्या क्या बॉल कराई है पाजी ने भाई, मां कसम ना दिल खुश हो गया भाई। पाजी के दो विकेट, हाय हाय पाजी तेरे पत्नी लुली। और भाई हार्दिक पांड्या के दो विकेट, और अपने भाई के सूर्य कुमार यादव के दो कैच। और मां कसम भाई एक बात याद रखना, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बर्फ क्यों ना गिरे, बिजलियां क्यों ना घड़के, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे सब दोस्त देख रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट अभी बातें कर रहे थे तो एकदम से ना जज्बात बदल गए, हालात बदल दिए। तो दोस्तों आज शकीब उल हसन को भी कुछ बताना चाहता हूं कि आपने एक बात कही थी कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जो है वो इंडिया को अपसेट करने आए हैं, हम इंडिया से जीतेंगे। हमने आपको कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ एक वीडियो बनाई, मैंने सिर्फ ये कहा कि हो सकता है कि ये बात के पीछे कोई रीजन हो, जो भी हो, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज मेरा भी जवाब सुन ले शकीब उल हसन, इंडिया जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो तुम्हें हराएगा, इंडिया सबको बाहर फेंकेगा और वर्ल्ड कप घर लेके जाएगा, ये मेरा वादा है भाई। शकीब उल हसन आइंदा से बात करने से पहले ना 5-10 दफा सोच लेना कि भाई मैं किसके खिलाफ कौन सी बात कर रहा हूं। और दोस्तों लास्ट के ओवर में सबसे लास्ट ओवर में जो पहली गेंद पाजी पे जो सिक्स पड़ा ना, वो हम सब यही बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ने उनको पैनिक कर दिया भाई, लास्ट ओवर था उनको मारने देते पाजी को, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है भाई, उतना तो उनके पास नॉलेज है कि मुझे किस टाइप की बॉल करानी है। तो लेकिन अपना पाजी था भाई, पाजी बल्ले बल्ले तुर 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 तुर
और बांग्लादेश तो चलो हार गया भाई, ना उनका जादू चला ना उनके टाइगर चले, लेकिन एक चीज की कमी हुई, वो नागिन वाला डांस नजर नहीं आया भाई। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। सपेरा जीत गया भाई। आज सपेरे ने नागिन को ही डस लिया भाई। चलो भाई आज का मैच जबरदस्त था, लेकिन दोस्तों अब तो कंफर्म हो गया ना कि भिखारिस्तान वालों अब तो बैग पैक कर लो, अब तो निकल जाओ भाई, या अब भी कुछ ना कुछ बोलोगे। मैच जीतने की खुशी एक तरफ, लेकिन डबल जो खुशी है ना, आ गया ना स्वाद। पाकिस्तानियों तुम लोग बोल रहे थे ना कि बांग्लादेश वालों आप लोग इंडिया से जीतो और हम आपसे हार जाएंगे और हम आपको पुश करेंगे और इंडिया को बाहर निकालो, हो गया पुश। और पुश का अभी एक काम करते हैं, अभी हम पूरे पाकिस्तान को एक बात बताते हैं कि बांग्लादेश जो है हमारा बंगाली भाई जो है वो तो हार गया है इंडिया से, अब तुम एक काम करो अपना बंगाली भाई के लिए तुम लोग भी हार जाओ, तो मां कसम हम मान जाएंगे कि वाकई में तुम लोगों को बंगाली भाइयों से प्यार है। तो भाई अगर आप लोग ना प्यार करते हो बांग्लादेश के लोगों को, तो जो मैच आ रहा है ना तुम लोगों का, वो हार जाओ, बांग्लादेश को दे दो, कुर्बानी दे दो भाई, लेकिन इंडिया एक तीर से दो शिकार मारा है, बांग्लादेश को भी मारा है और पाकिस्तान को भी लात मार के बाहर भगाए। चल निकल पहली फुर्सत में, शकल मत दिखाना अगले साल तक। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, मैं कभी आप लोगों से कुछ मांगा नहीं हूँ, आपका एक मामूली सा कमेंट ना वो उनके प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ेगा हमारे कमेंट से। लाइक बोलना नहीं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।